इसको आके हरियाणा है हरियाल, हम कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं। 32 का खतियान किसी कीमत मुख्यमंत्री महोदय लागू नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा व्हाट्सअप पे धमकी में, तो उन सब से हम डरने वाले नहीं हैं। तो डरने वालों में नहीं है, कोई कितना भी धमकी दे दे। यहाँ 32 का खतियान आज़ादी के पहले का क्यों, उसी का विरोध में हम और विरोध कर रहे हैं, करेंगे विरोध जड़ से। जिस दिन झारखंड, जिस दिन राज्य अलग हुआ, उस डेट को वहाँ, उस डेट से पहले जो लोग वहाँ थे, वहाँ के स्थानीय कहला रहे हैं। लोग धमकी, सब छोटे भाई हैं, दिग्भ्रमित हैं, धमकी भरा कॉल धमकी दे रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं, सब छोटे भाई हैं। आज निकल उनके, नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत, मैं हूँ सोनू कुमार पांडे। 1932 खतियान काफ़ी चर्चे में अभी रह रहा है और इनका विरोध भी बहुत लोग कर रहे हैं। वैसे में ही एक चेहरा और है प्रदीप तिवारी जी का, इनसे बात हम लोग करेंगे। आप भी विरोध कर रहे हैं? जी, मैं तो 2002 से विरोध कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि ये अप्रासंगिक निर्णय है, असंवैधानिक, मेरे नज़र में असंवैधानिक निर्णय है। इसीलिए हम तो 2002 के डेमोसाइल में भी, आंदोलन में भी हमने लड़ाई लड़ी थी, भाषा की लड़ाई लड़ी, आज 32 के विरोध में है। अच्छा, तो सुनने में आया कि आपको धमकी भरा कॉल भी आ रहा है? बहुत सारा, हमको लगता है 400-500 कॉल आ चुका है, और बहुत सारा व्हाट्सअप पे धमकी में, तो उन सबसे हम डरने वाले नहीं हैं। उन सबसे डर, जो अपने अधिकार के, हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना शिबू आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी ने सिखाया है, और ये दुर्भाग्य है कि शिबू सोरेन जी से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना सीखकर हम उनके पुत्र हेमंत सोरेन जी से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग डरने वालों में नहीं है, कोई कितना भी धमकी दे दे, और देना है दीजिए ना, सामने है ना, हम तो भागने वालों में से तो है नहीं। नहीं, तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि मतलब 1932 का खतियान लागू नहीं होना चाहिए, आखिर क्यों? देखिए, हम 2002 से ये चाह रहे हैं ना, क्यों चाह रहे हैं? इसलिए आप बताइए कि ठीक है, हम 32 का विरोध नहीं करते हैं, तो आप कोल्हान को झारखंड से अलग कर दीजिए। कोल्हान में 32 में सर्वे नहीं हुआ है। मधुपुर को झारखंड से अलग कर दिया, मधुपुर 56 या 60 बंगाल से कट के शामिल हुआ है। 32 का खतियान कितने लोगों के पास है राज्य? मात्र 30-32% लोगों के पास। आप उनको स्थानीयता का अधिकार दे, तो झारखंड के लोग, झारखंड में केवल 30-32% लोग स्थानीय रहेंगे। माने 1 करोड़ लोगों के पास अगर है 32 का खतियान, तो उतना ही पे झारखंड चलेगा। जो लोग 55 से 60 से 70 से यहाँ रह रहे हैं, उनका क्या? जब 1932 बिहार में 1932 के आधार पे, खतियान के आधार पे स्थानीयता बनती थी, तो जब यहाँ झारखंड अलग हुआ, उसी समय ये व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। जो झारखंड आंदोलनकारी थे, उनको उसी समय ने ये व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए थी, क्योंकि अब तो लगभग लोग 2 करोड़ लोगों का भविष्य अंधेरे में चला गया। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो जिन्होंने यहाँ जन्म लिया, जिनका यहाँ मैट्रिक हुआ, जिनका यहाँ इंटर हुआ, उनका क्या? अमेरिका जैसा देश में 15 साल में नागरिकता मिल जाता है। यहाँ 32 का खतियान आज़ादी के पहले का क्यों, उसी का विरोध में हम और विरोध कर रहे हैं, करेंगे विरोध जड़ से। आपके मतलब क्या आप चाहते हैं कि कितना का खतियान लगवाएं? देखिए, हम लोगों का यही डिमांड है कि एक साथ जो 3 राज्य का बंटवारा हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उन दोनों राज्यों में जो व्यवस्था है, वही व्यवस्था झारखंड में भी होनी चाहिए। क्या है? हमारे दर्शकों को आप बताइए खुल के, क्या उन दोनों राज्यों में जो कट ऑफ डेट है, जिस दिन झारखंड, जिस दिन राज्य अलग हुआ, उस डेट को, उस डेट से पहले जो लोग वहाँ थे, वहाँ के स्थानीय कहला रहे हैं, वही हम व्यवसाय यहाँ भी लागू। जैसे आप कोल्हान का बात किए, तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के मधु कोड़ा जी, वो उनका बयान था कि 1932 लागू कीजिए, लेकिन 1965 को भी मान्यता दीजिए। वही काहे, हर जगह अलग अलग, मैंने राज्य में जितना जिला है जहाँ अलग अलग सर्वे, हर जगह अलग अलग खतियान, अलग अलग राज्य को अलग अलग खतियान को मान्यता दीजिएगा। सर्वमान्य रखिए ना, एक रखिए, सर्वमान्य रखिए, उसी का तो विरोध है। जो यहाँ पे कहीं 65 में हुआ, कहीं 11 में हुआ, कहीं 32 में हुआ, तो हर जिला वार अलग अलग स्थानीयता नापिएगा आप। पूरे झारखंड का स्थानीयता की बात हो रही है, वही हमारा कहना है कि एक रखिए, सबके लिए रखिए। सुनने में आप FIR भी किए थे? यही मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो गई, मैंने कोई FIR नहीं किया है। मैंने थाने में एक शिकायत दी है, वो भी शिकायत सिर्फ प्रशासन का आँख खोलने के लिए दी है कि भैया बहुत सारे लोग अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और संसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं, हम लोग एकदम संसदीय भाषा में अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक बैग तालिबानी तरीके से आप आज नोटिस कीजिए, कल हाजिर हो, ये क्या है? एक आँख में काजल, एक आँख में सुरमा क्यों? मुख्यमंत्री किसी एक वर्ग का नहीं होता है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। यही हमारा, इसीलिए हमने एक शिकायत दर्ज करी प्रशासन का आँख खोलने के लिए। तो ये धमकी भरा कॉल कौन दे रहा है आपको, क्या लगता है? बहुत सारे लोग धमकी, सब छोटे भाई हैं, दिग्भ्रमित हैं, धमकी भरा कॉल धमकी दे रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं, सब छोटे भाई हैं। आज नकल उनकी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से भी आता है कि? नहीं, प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से कोई, प्रशासनिक अधिकारी तब एक दिन में नोटिस कर दे रहा है, तो इससे ज़्यादा क्या दुर्व्यवहार होगा?
तो वो सब जो लोग फोन करे सब छोटे भाई के समान है, क्योंकि मैं झारखंडी वो भी झारखंडी है, तो वो सब धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं। कितना लोग धमकी दिया, कितना लोग गया आके, तो जिसको मैं तो अभी आपने देखा मैं अभी अकेले यहाँ पे आया, जिसको आके फरियाना है फरियाल, हम कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम प्रेम से आपका स्वागत करें, आपको चाय पिलाएंगे, आपसे बैठ के बात करेंगे, आप हमारी बातों को समझेंगे, बाकी आपकी जो इच्छा गप करें। और लागू होता है तो क्या आप करेंगे? लागू आप देखिए, मैं पहले भी आपको बता दे रहा हूँ, आज आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ, 32 का खतियान किसी कीमत मुख्यमंत्री महोदय लागू नहीं कर पाएंगे। वो यहाँ से भेज देंगे विधान, आपने कैबिनेट से पास किया, अब विधानसभा जाएगा, विधानसभा के बाद महामहिम के पास जाएगा, महामहिम कुछ विसंगति पा के वापस करेंगे, फिर जाएगा उनके पास, फिर केंद्र सरकार के पास जाएगा। कई सारी विसंगतियाँ हैं, हाईकोर्ट का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, किसी लागू तो होने वाला नहीं। तो मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि अब लागू ये नहीं होना चाहिए? नहीं, लागू होगा तो क्या दिक्कत आएगी? लागू होगा तो हम विरोध में थे, हैं और रहेंगे। उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वहाँ तो नहीं लागू हो पाए, क्योंकि हाई कोर्ट का पांच माननीय जज का जो खंडपीठ था उसको रिजेक्ट कर चुका, उनको भी तो चैलेंज करना पड़ेगा ना मुख्यमंत्री को। नहीं, नौवीं अनुसूचित से मतलब ये हुआ है तो ये तो कोर्ट में जाने का मामला ही नहीं बना। नौवीं अनुसूची में शामिल कहाँ हुआ है? नवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए आपको हाईकोर्ट में जो के जज माननीय जजों ने जो फैसला दिया उसके खिलाफ आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद नवीन अनुसूची में शामिल। नवीन अनुसूची में इसी तरह शामिल हो जाएगा, कई सारी विसंगतियाँ, कैसे नवीन अनुसूची में शामिल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं शामिल हो पाएगा नवीन अनुसूची में, किसी कीमत पर नहीं शामिल हो पाएगा। आगे का आपका क्या है? बिल्कुल जैसे जैसे मुख्यमंत्री अपना कुत्सित प्रयास करते जाएंगे, हम लोग विरोध हर स्तर पर विरोध करेंगे। तो जैसा कि आपने प्रदीप तिवारी जी को सुन रहे थे, और इनका यही कहना है कि 1932 लागू नहीं होना चाहिए। अगर लागू होता है तो जिसके 1932 का खतियान जिसके पास नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।